हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है मखाने की खीर। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम घीरा लेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम मखानों को अच्छी तरह से साफ करके और उसे घी पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जब तक कि वो थोड़ा सा उसका रंग चिंच ना हो जाए हल्का सा, तब तक हम उसे भूनते रहेंगे जब तक क्रंची क्रंची से ना हो जाए। उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे चेक करना हो तो चेक करके देख लीजिए कि क्रंची हुए कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में हम फिर से घी डालेंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो ड्राई फ्रूट्स हम अच्छे से घी में सेक लेंगे। जैसे मैंने काजू लिया है, किशमिश लिया है उसको, और नारियल और बादाम, पिस्ता। आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी चाहें वो सब ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले उसको सेक लिया घी, काजू को और किशमिश को। उसके बाद मैंने पिस्ता और बादाम, क्योंकि ये काफ़ी पतले पतले थे, इसको मैंने पतला पतला काटा हुआ था, तो इसको मैंने बाद में उसमें डाल के अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसे एक वापस प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो दूध लेंगे, दूध जो पूरा मलाई युक्त दूध है, जिससे कि हमारी अच्छी लच्छेदार खीर बनने वाली है, इसलिए हम मलाई वाला दूध ही लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा दूध अलग निकाल के उसमें कुछ केसर के धागे ऐड कर देंगे और वो धागों को, मतलब उसे केसर को अच्छे से मेल्ट करने के बाद दूध में डाल देंगे, जिससे कि कलर हमारा काफ़ी अच्छा उठ के आता है। और दूध को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने मखाने लिए हुए थे उसको हम ग्राइंडर में डाल के उसको हल्का सा पीस लेंगे और कुछ मखाने हम थोड़े से निकाल लेंगे अलग से डेकोरेट करने के लिए। अब इसको हम अच्छे से दूध में डालकर चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहना, जिससे जो साइड में हमारी जो मलाई जमी हुई है ना वो अच्छे से उसमें मिक्स होती जाए, तभी तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया उठ के आएगा। तो इस तरह से हम उसको चलाते रहेंगे लगातार, इस तरह से हम इसे चलाते रहना है। और थोड़ी देर बाद चलाते चलाते जब ये अच्छे से बॉईल होने लगेगी तो थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। शक्कर हम अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चेक कर लीजिए आपको जैसा भी लगे। उसके बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने जितने भी सेके हुए थे ना, वो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें इसी टाइम ऐड कर देंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिक्स हो जाएं, पक जाएं। और इस तरह से हम इसको चलाएंगे। अब इसमें इसको देखते रहेंगे कि हम इसे छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है। चलाते रहने से क्या होगा कि इसकी मलाई साइड में जितनी भी जमेगी वो सब इसमें मेल्ट होती जाए मिक्स होती जाएगी। लास्ट में हम जब अच्छे से बॉयल आने लगेगा खूब अच्छे से, तब हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से इसको चेक करते रहेंगे। थोड़े थोड़े से हम जो मखाने हैं उसको पूरा पूरा डालेंगे तो उससे खीर देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और कुछ तो जो हमारा पिसा हुआ वो तो अच्छे से गाढ़ा वाढ़ा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें खीर कितनी मतलब हमें ठंडी करके फ्रिज में डाल के खानी है या हमें गरम गरम खानी है। अगर हमें पतली खीर खानी है ठंडी करके खानी है तो इसे थोड़ा पतला रखेंगे, और अगर हमें इसे गाढ़ी खीर खानी मतलब गर्म खानी है तो आप इसे थोड़ा कम ही थोड़े ज़्यादा तरीके से इसको मतलब खौला सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमें खीर खौल जाएगी तो हमें समझ में आएगा कि हम इसे कैसी खानी है। उसके बाद हम जब ये खीर हमारी पक जाए तो पकने के बाद हमें इसे क्या करना है कि कुछ देर के लिए छोड़ देना है, 15 मिनट के लिए लगभग। 15 मिनट के बाद छोड़ने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाएगी, जो मलाई की लेयर इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद डालेगी। तो उस हिसाब से हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब ये देखिए हमारी खीर की मलाई के साथ हमारी वो खीर रेडी हो गई। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिर वही वाली बात है, ठंडी या गर्म, तो आप जैसा खाना चाहें वैसा खा सकते हैं। अब ये हमारी खीर रेडी हो गई है। अब हम ऊपर से इसे डेकोरेट कर देंगे मखाने से, जो हमने मखाने पहले इतनी फ्राई किए हुए थे उससे। अब ये देखिए ऊपर से हम पिस्ते से भी इसको डेकोरेट कर देंगे। कितनी बढ़िया दिख रही है ये खीर। अब इस खीर का खाने का अलग ही मज़ा है, एकदम लच्छेदार मलाईयुक्त खीर है ये।
अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब।